जानते हैं भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था, बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया। लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। साथियों, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। साथियों, लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही रहेगा। कुछ ही दिन बाद इस 5 अगस्त को आर्टिकल 370 का अंत हुए 5 वर्ष पूरे होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर आज नए भविष्य की बात कर रहा है, बड़े सपनों की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पहचान G20 जैसी ग्लोबल समिट की अहम बैठक करने के लिए हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में टूरिज्म सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है। दशकों बाद कश्मीर में सिनेमा घर खुला है। 3.5 दशक के बाद पहली बार श्रीनगर में ताजिया निकला है। धरती का हमारा स्वर्ग तेजी से शांति और सौहार्द की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज लद्दाख में भी विकास की नई धारा बनी है। सिंकुल्ला टनल, इसके निर्माण का काम शुरू हुआ है। सिंकुल्ला टनल के जरिए लद्दाख पूरे साल
हर मौसम में देश से कनेक्टेड रहेगा। ये टनल लद्दाख के विकास और बेहतर भविष्य के लिए नई संभावनाओं का नया रास्ता खोलेगी। हम सभी को पता है कि कठोर मौसम की वजह से लद्दाख के लोगों को कितनी मुश्किलें आती हैं। शिंकुंदला टनल के बनने से ये मुश्किलें भी कम होगी। मैं लद्दाख के मेरे भाई बहनों को इस टनल का काम शुरू होने के लिए विशेष बधाई देता हूं। साथियों, लद्दाख के लोगों का हित हमेशा हमारी प्राथमिकता रहा है। मुझे याद है, कोरोना के समय में करगिल क्षेत्र के हमारे कई लोग ईरान में फंस गए थे। उन्हें वापस लाने के लिए मैंने व्यक्तिगत स्तर पर काफी प्रयास किए। ईरान से लाकर उन्हें जैसलमेर में ठहराया गया था और जब स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरी तरह संतोषजनक रिपोर्ट मिले, उसके बाद उन सबको उनके घर तक यहां पहुंचाया था। हमें संतोष है कि हम अनेकों जिंदगियों को बचा पाए। यहां के लोगों की सुविधाएं बढ़े, ईज ऑफ लिविंग बढ़े, इसके लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। बीते 5 वर्षों में ही हमने लद्दाख के बजट को 1100 करोड़ से बढ़ाकर 6000 करोड़ रुपये कर दिया है, यानी करीब करीब 6 गुना की वृद्धि। ये पैसा आज लद्दाख के लोगों के विकास में, यहां सुविधाएं बढ़ाने में काम आ रहा है। आप देखिए, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, पावर सप्लाई, रोजगार, लद्दाख में हर दिशा में दृश्य भी बदल रहा है, परिदृश्य भी बदल रहा है। पहली बार यहां होलिस्टिक प्लानिंग के साथ काम हो रहा है। जल जीवन मिशन की वजह से अब लद्दाख के 90% से ज्यादा घरों में पाइप से पीने का पानी पहुंच रहा है। लद्दाख के युवाओं को क्वालिटी हायर एजुकेशन मिले,